पड़ेगा, साहब के आगे झुकना पड़ेगा, साहब के आगे झुकना पड़ेगा, साहब के आगे झुकना पड़ेगा। साहब उसी ऑफिस में बैठे हुए हैं, उन्होंने भी कभी हमारी सुध लेने की कोशिश नहीं कभी की। हम मिलने गए उनके घर में, उन्होंने कहा वैसे ही मैं जीतूंगा उसके बाद मिल लूंगा, वो मिलने नहीं आए। यहाँ के जो गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब, मैं उनसे मिला था, मैंने उनसे कहा था, अपील करी थी, मैंने कहा बारीदारों के इश्यूज है, कहने मैं कटरा आऊंगा मिल लूंगा। उसके बाद मुझे लगता है वो 10 बार कटरा आए होंगे, पर बारीदारों से मिलने की फुर्सत उनको भी नहीं है। उसे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कुछ साल पहले हम दिल्ली गए थे, मैं आरएसएस जी बात बताता हूँ, मैं आप यकीन मानेंगे, मुझे भी लगता था नहीं आरएसएस हमारे देश की जो है वो सेवा दल है, जैसे वो कहते हैं राष्ट्रीय सेवा सेवा संघ, मैं सोचता था वो सेवा के बड़े वो है। हम दिल्ली में गए, माननीय इंद्रेश जी ने हमारे साथ वायदा किया कि आप लोग जाइए, मैं 25 दिन के अंदर बारीदारों का मसला हल कराऊंगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से। 25 दिन का आए हुए हमें हफ्ता हो गया, एक स्टेटमेंट जरूर आई थी जितेंद्र सिंह साहब की, जितेंद्र सिंह साहब ने एक स्टेटमेंट जरूर दी थी कि हम श्राइन बोर्ड में अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, उसके बाद बंद। समझ नहीं आता है कि प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, आरएसएस के इतने बड़े अहदेदार वो हैं, मंत्री जी हैं, माननीय जी हैं, हम है कोई गैर नहीं, हमें किसी से बैर नहीं, कहने के बावजूद लेफ्टिनेंट गवर्नर कहने के बावजूद श्राइन बोर्ड का है कान में जूता नहीं रेखती है कि बारीदारों पर कुछ किया जाए। मैं ये जवाब भारतीय जनता पार्टी के या जहां के लोकल लोग हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि आप ही अपना बारीदार हैं, आप लोग भी हमारे से ही मैक्सिमम बारीदार हैं जो बीजेपी में हैं। मैं मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि कम से कम डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से लेके और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिलने के लिए एक अपील करें, और सारे बारीदारों के जा नहीं सकते, मगर थोड़े लोग कुछ लोग बॉम्बे जाके उनको एक बार पूछ लें, ताकि हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ सकें। एक बार वो कह दें कि हमने करना है या ना करना, हाँ या ना कर दे, उसके बाद मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, चाहे अपना बलिदान देना पड़ेगा हम देंगे। हमारे साथ जो ज्यादा करी है हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। मैं इतना ही कहूंगा, मैं जो नौजवानों से कहूंगा कि अभी मेरी फैम अपना जो सारी हमारी जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी, मगर मेरे एक सुझाव जरूर है, मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि हर महीने की 30 तारीख को श्राइन बोर्ड के यहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। ये सुझाव है मेरा, ये अगर आप लोग मैं